देख रहे पूरी वैली में कोई नहीं है, एक ही पहाड़ के अंदर मल्टीपल कलर है, हार ले यही रूट जाएगा, कोई इस साइड जा रहा है कोई इस साइड जा रहा है, तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के आप सिलेक्शन करना, कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। देखो भाई जो भी रास्ते में मिले ना सबसे इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलो। चलो भाई इसको पार करते हैं, ये देखो यहाँ से पानी भरेंगे हम। अकेले हो तो भी यार घबराओ मत, चलते रहो हेल्प मिल जाएगी, तो भी घबराना बिल्कुल नहीं है बस। तो फाइनली यार बहुत सारी चीजें पूछने के बाद, बहुत लोगों से पूछने के बाद चल रहे हैं अब हानले के लिए। आप लोग भी ऐसे आना तो यार कंफ्यूज मत होना, कोई हेल्प चाहिए तो भाई को पिंग कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट छोड़ देना, रिप्लाई मिल जाएगा। मिशन हानले इस साइड ना ज्यादा कोई आता नहीं है, लोग पेंगोंग लेक देख के वापस ले चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा एकदम आइसोलेट ही रहता है, कोई नहीं मिलता। देखो चेक पोस्ट पे कोई भी नहीं है। अभी एक भाई मिले थे यार, उनसे मैंने पूछा कि भाई बता दो यार हानले कहाँ से जाना है, और वो जो रोड मिली थी यहाँ चिशिल गांव के पास, वहां से 2-4 किलोमीटर ही हम आए थे टार्मिक रोड पे, उसके बाद हमने राइट ले लिया, और उसके बाद देखो कुछ इस तरीके के रास्ते हैं भाई, 50 किलोमीटर जाना है उसके बाद अच्छी रास्ते आएंगे। कोई बोर्ड वोर्ड लगा रहता ना थोड़ा दिल को यार तसल्ली रहती यार, कि यार चलो कोई बोर्ड वोर्ड तो लगा यार, इतने देर में पहुंच जाएंगे, इतने किलोमीटर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और मेरे को लगता है ज्यादातर टूरिस्ट यार इसीलिए यहाँ नहीं आते, पूरा ऑफ रोड है भाई, ज्यादातर लोग ना पेंगोंग से ही वापस चले जाते हैं लेह की तरफ। लेकिन आपका भाई देखो हानले जा रहा है, देख रहे पूरी वैली में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। महाराष्ट्र वाले जो भाई मिले थे हिमालयन स्क्रैम वाले, वो तेजी से आए और चले गए आगे, बढ़िया बाइक को होने का फायदा उठाया उन्होंने बकायदा एकदम। वो देखो वो जा रहे हैं भाई दूर, कोई दिक्कत नहीं, माता रानी हमारे साथ हैं, भोले बाबा हमारे साथ हैं, चलते रहेंगे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया होगा, अच्छे से हम हानले पहुंच जाएंगे भाई। जब भगवान यहाँ तक ले आया है तो आगे का भी रास्ता धीरे धीरे दिखाई देगा। पेंगोंग लेक से जब आप आओगे तो 55 किलोमीटर तक एकदम मस्त रोड है भाई हानले की साइड, उसके बाद ऐसी रोड मिलेगी फिर आपको। चलो जी चलते रहते हैं इसी पे, फिर मिलेंगे आपसे आगे की अपडेट लेके। आधे घंटे हो गए मेरे को यार इस पे चलते हुए, अब देखो क्या व्यू मिला है हानले जाने के रास्ते में। ये कलर देखो पहाड़ का, टोटली डिफरेंट भाई, टोटली डिफरेंट। और ये जो व्हाइट व्हाइट ऐसा लग रहा है ना कि पानी बह रहा है, नहीं पानी नहीं है भाई, पूरा बर्फ है ये। और एक ही पहाड़ के अंदर ना ऐसा नहीं कि पूरा पहाड़ ही एक ही कलर का है, एक ही पहाड़ के अंदर मल्टीपल कलर है। जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होती होगी, फिलहाल अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो पानी के एकदम गड्ढे वड्ढे बने हुए हैं एकदम, जैसे यहां से पानी वानी बहता हो। कुछ भी बोलो लद्दाख बढ़िया है। हानले यही रूट जाएगा, हानले आपने सीधा जाना हाँ? वो सामने इंडियन फ्लैग नजर आ रहा है, वो मेमोरियल है, वो भी घूमने वाली है, वहां देखना। इसके आगे जाओगे एक तारा पोस्ट करके आएगी हाँ? फिर इससे आगे जाना टीसा एक गाँव आएगा, वो भी निकल जाना हाँ? आगे जाके एक पक्का रोड ऐसे जाएगा, वहाँ बोर्ड लगा हीना, अच्छा हीना करके उस पक्का रोड देखकर पक्का रोड नहीं पकड़, फिर धक्के ट्रैक की पकड़, अच्छा धक्के ट्रैक जाना आगे लोमा आएगा, लोमा से फिर लेफ्ट हानले के लिए राइट हाईवे है बहुत बढ़िया, वो जाते हैं देर तक। अच्छा मुझे लोमा लाना है, वहाँ से जाते हैं लेफ्ट लेना है, और ये रास्ता वो खराब है, वो ऐसे ही कच्चा रास्ता है। ठीक ठीक है जी, थैंक यू। कितने हेल्पफुल है ना बंदे भाई, इंडियन आर्मी की जय हो भैया, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देख रहे हो कितने बढ़िया से उसने समझाया मुझे रास्ता, वाह मजा आ गया एकदम। काफी हेल्प करते हैं यार इंडियन आर्मी यहाँ पे, जब आप घूमने के लिए आओगे ना काफी हेल्पफुल है। नजारे नजारे की तो बात ही मत करो नजारे का तो बस देखो। मैं तो पानी ढूंढ रहा हूँ यार, प्यास बड़ी तेज लग रही है, पानी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे कुछ झरना वरना भी नहीं बह रहा भाई, यहाँ तो पूरा एकदम बस क्या ही बताएं, बड़ा सही लग रहा है ना इतने वीराने में अपना इंडियन फ्लैग, कितना सही लग रहा है ना। मिलिट्री वाले भाई साहब ने बताया था यार कुछ
कि यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो। क्या चीज है विजिट करने के लिए वो एक्चुअली अपने को पता नहीं है। हॉनले जाना है हॉनले। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वॉर मेमोरियल है चुशुल का। यहाँ पे अंदर नहीं गया मैं, बाहर से ही देख लिया यार मैंने, क्योंकि अंदर जाके यार सारा तामझाम मेरे को निकालना पड़ता। मैंने आपको यार पीछे वॉर मेमोरियल दिखाया था ना, उसके बाद ये देखो कई ना ऐसे अनजान रास्ते आपको मिलेंगे, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के आप सिलेक्शन करना। कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, और कहीं कहीं रेयरली आपको ऐसा मिलेगा ऐसा बोर्ड। अभी मैं लोमा जाऊंगा, लोमा से फिर हानले जाऊंगा, तो ये देखो बोर्ड मिला है। तो ये बोर्ड ना बहुत कम है यहाँ पे, तो ज्यादातर ना आपको ऐसे दो रास्ते मिलेंगे या तीन रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता देखो वहां से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो इसमें ना अपना दिमाग लगा के सिलेक्शन करना, ठीक है। और नहीं तो यार कोशिश करना कि यार कोई मिल जाए, मैं उससे पूछ लूं, या पहले ही पूछ लेना जहां पे कोई बंदा हो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ खो जाओगे फिर ऐसे रास्तों में। फिलहाल अभी यहाँ पे शाइन खड़ी है, और ये चीजें बताने के लिए मैं यहाँ पे रोका था, ठीक है। चलते हैं अभी हम आगे। नजारे तो बहुत मस्त है भाई, इधर एकदम खुला खुला है। पेंगोंग लेक की याद आ रही है भाई अब। पीछे ना थोड़ा रेतीली सड़क थी, तो सही था, चल रही थी गाड़ी आराम से 20-30 की स्पीड में। अब देखो थोड़ा सा और ऐसे पत्थर वाले सड़क आ गए, तो थोड़ा स्पीड कम हो गई है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ऑफ रोड हमने 15 किलोमीटर कर लिया है, वो 50 बता रहे थे ना भाई साहब, तो 35 होगा। और लोमा तक, लोमा के बाद अच्छी रोड है, उस मिलिट्री वाले भाई ने भी बताया था। चलो धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर बताऊंगा। एक कार आ रही है भाई, इससे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो भी मिले इन्फॉर्मेशन लेते रहो उससे, देखो क्या क्या बताता है। आगे कहाँ तक ऐसे रोड खराब है? अभी आगे लोमा तक लगभग अच्छा ही मिलेगा। कितना किलोमीटर होगा? अच्छा रोड है। कितना किलोमीटर रोड है लोमा तक? लगभग 50 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा रोड है। अच्छा ठीक है। बीच में आपका वाटर क्रॉसिंग है, दो बड़ा है, एक वाटर क्रॉसिंग थोड़ा सा ज्यादा पानी है उसमें। हाँ, क्रॉस हो जाएगा? जाएगा हाँ, बट लोग है वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप जा सकते हो, आप आगे आरपीआर की गाड़ी भी जाते रहती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। अगर रुकना हो तो आगे वो सब भी है, टेंट भी लगा स्कूटी पे जाते। नहीं नहीं, हान ले जाऊंगा मैं तो। ठीक है, थैंक यू जी। देखो भाई, जो भी रास्ते में मिले ना, सबसे इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलो। कौन क्या बता रहा है उसको कंपेयर करो, ठीक है। अनजान रास्तों में ऐसे ही करता हूँ यार मैं, आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। सबसे इन्फॉर्मेशन लेने में कोई घाटा नहीं है भाई, पूछते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट ही लगेंगे ना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे टकरा जाएगी जो आपकी काम की हो, ऐसा भी हो सकता है। और भाई देखो, भाई ने बताया ना कि आगे दो वाटर क्रॉसिंग है, उसमें से एक बड़ी है, और कह रहा भाई अगर क्रॉस कर लोगे तो ठीक है, नहीं क्रॉस कर पाओगे तो आगे लोग हैं हेल्प करा देंगे। तो देखते हैं अभी कौन सी वाटर क्रॉसिंग है भैया, ज्यादा बड़ी ना ही है भैया, सब गीला हो जाएगा, ठंडा ठंडा लगेगा फिर। इतने मेहनत से सुखाया 2 दिन से हमने, बाकी के दिन तो गीले ही थे, 2 दिन से सही है, कल भी गीला नहीं हुआ, आज भी अभी तक गीला नहीं हुआ। और कारगिल वाले में भी रात को तो गीला ही था, पूरा दिन जब मैं कारगिल से ले आया तब सूखते रहा। ये भाई आर्मी के ट्रक मिले हैं यहाँ पे, जैन सर। ये है भाई वाटर क्रॉसिंग जो बात कर रहे थे भाई। पार हो गई भाई। बिना पैर रखे पार हो गई, चलो बढ़िया, एक से तो बची गए। पानी लेना भूल गया यार मैं, पीने का पानी यहाँ से भर सकते थे। चलो आगे वाले में देखेंगे। तो जो कार वाले भैया मिले थे ना, वो कह रहे थे भाई दो वाटर क्रॉसिंग आएंगी, एक तो हमने क्रॉस कर ली थी वो मिलिट्री वाले जहाँ खड़े थे, एक देखो ये है, ये पानी तो एकदम साफ लग रहा भाई, इसी को बोतल में भर लेते हैं और पी लेते हैं। पीछे 40 रुपीज मांग रहा था। मैंने कहा छोड़ो यार, नेचुरल पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो भाई इसको पार करते हैं, फिर यहाँ से रुक के पानी पियेंगे, ठीक है।
पार हो गए जी। बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, देखने में बड़ी लग रही थी। अपनी बोतल निकालते हैं, पानी भर लेते हैं, पैसे बचाते हैं भैया। ये देखो यहाँ से पानी भरेंगे हम। वाह बड़ा ठंडा है यार, लेकिन वाह हाथ इतने ठंडे हो गए भाई, भर गया पानी, बच गए 40 रुपए। पीने लायक तो है भाई, ये बहुत साफ है। ये वाला पानी ना ऐसे दूर से ऐसे लग रहा था कि भाई बड़ी सी क्रॉसिंग है, लेकिन ये कोई लेक है। उस लेक का क्या नाम है भाई पता नहीं, या मेरे ख्याल से ऐसे कोई पानी वानी जम गया होगा। दूर से ऐसे देख रहा था ना, मेरे को लगा कि बड़ी सी क्रॉसिंग है भाई। मेरी तो एकदम फटली थी भाई, यहाँ कोई नहीं है भाई, क्रॉस कैसे करूंगा। लेकिन इसके साइड से रास्ता बना है, आराम से चले जाएंगे हम। मैं तो अब सोचता हूँ यार, इतनी फोटो खींच ली, कितनी फोटो खींचे और हर नजारे के फोटो ही खींचते रहे। मैं बस अब फील कर रहा हूँ इन सबको, फोटो वीडियो तो थोड़ी कम बना रहा हूँ, कुछ स्पेशल हो रहा तो बना रहा हूँ, नहीं तो बस इनको देखते हुए जब बाइक चला रहा हूँ बस मजा आ रहा है। इंडिया में ऐसी ऐसी जगह भी है घूमने के लिए, लोग बाहर जाते हैं भाई घूमने, बाहर भी अच्छी जगह है लेकिन इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगह है भाई कि आपका मतलब एकदम तबीयत सही कर देगी, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है। ये देखो ऐसे रास्ते आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, एक इधर चला जाता है एक इधर चला जाएगा। और रास्ते ना ऐसे निशान बने हुए हैं पता है कैसे, पत्थर से। देखो वहाँ भी रास्ता है तो वो देखो पत्थर से निशान बना रखे उन्होंने। अभी आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे रेत में चल रहे हैं तब तो ठीक है, वो जो ऊबड़ खाबड़ वाले पत्थर आ जाते हैं ना उनमें ज्यादा दिक्कत होती है। ये देख रहे हो ऐसे निशान बने हुए हैं, तो ऐसे निशान भी आप देख लेना भाई। ये देखो पूरे रास्ते में ऐसे निशान बने हुए पत्थरों से, उन्हीं पत्थर के बीच में से हमें जाना है ताकि हम कहीं इधर उधर ना भटके। ऐसे छोटे छोटे पत्थर ऐसे खड़े किए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे भी खड़े हैं, आगे भी खड़े, क्योंकि यार पता नहीं लगेगा ना यार रास्ता कहाँ से है। ये आर्मी वालों ने ही बनाए होंगे क्योंकि उनको यहाँ पे ज्यादा आना जाना रहता है, सारा आर्मी का ही एरिया है सब। वो देखो सामने से आर्मी की गाड़ी आ रही है, एक्टिविटी ज्यादा है आर्मी की यहाँ पे। बॉर्डर लगता है ना यार, चाइना बॉर्डर नजदीक ही है यहाँ से, अब कितने किलोमीटर है वो नहीं पता यार मेरे को। ये देखो भाई यहाँ खच्चर देखो, आराम से अकेले मस्त पूरी वैली में अकेला ही है ये, पता नहीं कौन सी घास चल रहा है भाई। भाग गया देखो, गाड़ी की आवाज सुनते ओ भाई भाग गया। देख रहे मैं आपको रास्तों के बारे में बता रहा था, यहाँ पे जब आप आओगे तो देखो इस तरीके के रास्ते के निशान ऐसे बने हुए मिलेंगे आपको। देख रहे हो साइड साइड में ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, ये आपको मिलेंगे, इसी के बीच में से आराम से आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा साइन बोर्ड वगैरह है नहीं, तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। और तो क्या, बस अकेले हो तो भी यार घबराओ मत, चलते रहो, हेल्प मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी वाले यहाँ मिलते रहते हैं, कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, माता रानी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आप अकेले ट्रिप कर रहे हो किसी के साथ नहीं आ रहे हो तो भी घबराना बिल्कुल नहीं है, बस